स्वरा भास्कर, हरीश आहूजा, परनीत कौर, करण सिंह ग्रोवर, शबाना आजमी, शुभांगी अत्रे, अनु कपूर। साइबर थाना, इसकी पहचान जो है पूरे देश भर में है, यानी पहचान का यह मोहताज नहीं है। 22 राज्य के पुलिस यहां आ चुके हैं किसी न किसी मामले के तफ्तीश को लेकर। सांसद बिग बी अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी पत्नी को उनके पैसे को भी जो है सिफोन ऑफ किया गया। कहा गया कि आपकी सैलरी क्रेडिट होनी है। जामताड़ा से फोन जाता है, ओटीपी आपको भेजा है, जैसे ही ओटीपी बताया जाता है वो संसद में थी और उनका पैसा सिफोन ऑफ हो जाता है। 13 या 14 लाख रुपया जो है निकाल लिया जाता है। जामताड़ा का नाम आज पूरे देश में साइबर अपराध के लिए कुख्यात हो चुका है। आज तक की टीम इसी जामताड़ा में साइबर ठगों के हथकंडों की पड़ताल करने पहुंची थी। जामताड़ा के साइबर थाने के इंस्पेक्टर बताते हैं कि अपराधियों ने अब नए नए मॉडल्स ऑफ रेंडी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसमें साइबर अपराधी अब बिजली बिल के नाम पर ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉल करके लोगों को फंसा रहे हैं और सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लॉटरी और इनाम का लालच देकर ठगी कर रहे हैं, बैंक खाता, एटीएम और डेबिट कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर ठगी कर रहे हैं। और इसके लिए साइबर अपराधियों ने स्क्रीन शेयरिंग ऐप का सहारा लेना शुरू किया है। साइबर थाने में बैठे एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल्स के मॉडस ऑपरेंडी को समझाते हैं। साइबर क्रिमिनल सबसे पहले शिकार को एक मैसेज भेजते हैं, फिर उस मैसेज में दिए गए फोन पर कॉल करने को कहा जाता है। कॉल करने पर साइबर क्रिमिनल अपने टारगेट को कुछ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहता है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही टारगेट के मोबाइल का स्क्रीन उस साइबर ठग के साथ शेयर हो जाता है और फिर मोबाइल की स्क्रीन के जरिए ठग अपने टारगेट की सीक्रेट जानकारियों और एटीएम पिन नंबरों तक पहुंच जाता है। अब आप जो भी इसमें कीजिएगा वो टोटल हम आपका देख सकते हैं। इसी तरह के जितने रिमोट एक्सेस हैं ये टोटल जो है काम करते हैं। लेकिन एक चीज है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए 2-3 चीज का होना बहुत जरूरी है। एक तो जरूरी है कि आपको नेट होना चाहिए, नेटवर्किंग होना चाहिए कोई भी सिस्टम में। अदरवाइज बिना नेटवर्किंग का आपका भी नेट कनेक्ट है, मेरा भी नेट कनेक्ट है, दोनों ऐप। तो लोग क्या करते हैं कि ऐप को इंस्टॉल कराएगा और ऐप में जो 9 डिजिट का जो नंबर होता है वो आपसे बोलेगा कि 9 डिजिट का नंबर है वो दे दीजिए। तो जैसे आप 9 डिजिट का, जैसे आपसे मैंने नंबर लिया, वो हमने एक्सेस कर लिया, और वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे एक तो दूसरे सिस्टम के साथ वो बैठता है लोग और वो टोटल आपका एक्सेस करके टोटल पैसा निकाल लेता है। एक होता है कि सिम स्वाइपिंग कर लेता है, जैसे कि आप सिम कहीं गए एटीएम कार्ड में मशीन में निकालने के लिए तो दूसरा सिम एटीएम पकड़ा दिया और टोटल जो है आपका निकाल लेता है। वो सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट नंबर और एटीएम का जो 16 डिजिट का नंबर होता है उससे भी निकाल लेता है। दूसरी बात लोग क्या करता है कि कुछ जानकारी जो है अपने मोबाइल में फीड रखता है, जैसे गैलरी में, नोटबुक में, एक्सपायरी डेट, एटीएम, खाता नंबर, पासवर्ड, इवन की पासवर्ड तक लोग, तो उसको भी आप यहां से वो देख सकते हैं। जामताड़ा साइबर थाने के एक्सपर्ट बताते हैं कि ठगों ने आजकल कई तरह के रिमोट एक्सेस एप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें एनी डेस्क, टीम व्यूअर, ज्वाइन मी, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, स्प्लैश शॉट जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल करके ठगी की जा रही है। और अब ये भी देखा गया है कि रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके साइबर ठग इन दिनों लोगों को सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं। अभी तो जैसे कि राजस्थान वगैरह से है कि वहाँ से वीडियो कॉल करता है और कुछ नेकेड वीडियो का वो भी उस पर पुटअप करता है, और इधर से भी जो है सेकेंड पार्टी से भी जो है कुछ ऐसा होता है और फिर वो वीडियो बना करके, न्यूड वीडियो बना करके फिर उसको धमकी देता है कि ये पैसा दो नहीं तो फिर जो है ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस तरह से भी लोगों को भयभीत करके बहुत लोग जो है भय मा करके कि नहीं हमारा इससे प्रतिष्ठा का हनन होगा, ये होगा, तो फिर वो पैसा दे भी दे। जामताड़ा की पुलिस इन साइबर क्रिमिनल्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अब साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ जामताड़ा नहीं बल्कि आसपास के जिलों तक पहुंच गए हैं।